कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे बच्चे छोटे हैं, एक साल के, दो साल के, तो उनको कौन देखभाल करेगा? और उसके बाद वो उससे 10 लाख जो वाला वो कहाँ से देगा? ये इनकी सरकार सिर्फ जो है बड़े उद्योगपति लोग हैं जो, उनके लिए इनकी सरकार ठीक है। गाड़ी ही बंद हो जाएगी तो व्यापार कहाँ से चलेगा? हॉस्पिटल अगर रोकता है गाड़ी तो जनता मार नहीं देगी उसको, मारेगी पीटेगी नहीं, तो जेल क्यों जाए? इससे अच्छा वो गाड़ी नहीं चलाएगा। ऐसा सरकार और ऐसा कानून होना ही नहीं चाहिए। तुम 7 लाख कहाँ से देंगे? हमारे पास 7 लाख रुपए होते तो हम कहीं धंधा करते अपना। ऐसा कौन सा ड्राइवर जो ज्यादा हमारे से हादसा हो जाए हम इसको अस्पताल ना पहुँचाएं? नेता नगरीन के लिए ऐसा नियम कुछ नहीं है। आधे से ज्यादा ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके भाग चुके हैं। हॉर्न बजा रहे तो गाली देके चला जाता है। जब कोरोना काल चल रहा था तब ये कहाँ थी सरकार? तब तो ड्राइवरी सारी पिस्ता पहुँचा रहे थे। मतलब अपने किसी पब्लिक से ना पूछना, खाली अपने आप कानून लागू कर दो, ये तो तानाशाही हुई। सरकार तो खुद ही ब्लैकमेल कर रही है, मान लीजिए पूर्व बहुमत से बैठे हुए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो आप चाहें वो लगा दें। ना चले तो मर गया, जो चले तो मर गया। भागे ना ड्राइवर, तो पब्लिक ऐसी है कि पब्लिक नहीं छोड़ेगी, पब्लिक मार देगी। कौन नेता 24 घंटे मरता है? कुल हड़ताल होगी, चक्का जाम होगा, कहां से व्यवस्था पहुंचे, ट्रेन कहां तक जाएगी? ये जो कानून बनाया, ये गंदा कानून है, इसको बंद किया जाए। नमस्कार दोस्तों, ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है जिससे पूरे देश के अंदर चक्का जाम हो गया है। लोगों को पेट्रोल और डीजल की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है और खाने पीने की चीज़ें भी मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ड्राइवरों की मांग है कि एक ड्राइवर जो है, जो जिसकी सैलरी कुल 10,000 रुपये 12,000 रुपये होती है, वो सरकार के द्वारा लाए जा रहे कानून के तहत 7 लाख रुपये का जो है हर्जाना कहाँ से देगा, जुर्माना कहाँ से भरेगा और 10 साल की कैद हो जाएगी उसको, तो कहाँ से दे पाएगा? तो हमारे साथ कुछ ड्राइवर बंधु हैं तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनका इस कानून से क्या विरोध है और वो इस कानून में क्या सुधार की उम्मीद रखते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र है जी, मैं एटा का रहने वाला हूँ। अच्छा, एटा के रहने वाले हैं आप? तो भैया जो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं तो इसका क्या रीज़न है, क्या वजह है? ये है सर के, मान लो हम 6,000 रुपये की नौकरी करते हैं जी, और हम चलते हैं, हमारा कोई पता नहीं कब कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए, कोई परेशानी है जी। घर पे अगर हमारे पास 7 लाख रुपए हों तो हम कंपनी मान लो कहीं धंधा कर लें, हम ये बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, अगर हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे बच्चे छोटे हैं, 1 साल के 2 साल के, तो उनको कौन देखभाल करेगा? अगर हमारे पास मान लो 10 लाख रुपए हों और 10 साल की हम सजा करते 60 लाख रुपए हों तो हम 7 लाख कहाँ से देंगे? अगर हमारे पास 7 लाख रुपए होते तो हम कहीं धंधा करते अपना। और ये कानून है जो कानून बिना सोचे समझे किसानों के, जब कोरोना काल चल रहा था जी, तब ये कहाँ थी सरकार? तब तो ट्रक ड्राइवरी सारी पिस्ता पहुँचा रहे थे, मेडिसिन वगैरह जो कुछ था, खाना पीना ट्रक ड्राइवर ले जाते, कोई और नहीं थे। तब कहाँ, तब नहीं दिख रहे थे इनको ड्राइवर। अच्छा। आज ड्राइवर को पूछे समझे आगे अपने कानून बना दिया, तो हम यही चाहते हैं कि सरकार का कहना ये है कि ये ट्रक ड्राइवर हो गए या जितने भी बस ड्राइवर हो गए, एक्सीडेंट कर लोगों को मार कर भाग जाते हैं मौके से, अगर ये लोग भागते हैं तब इन पर जुर्माना लगेगा। देखो सर, भागना, अगर भागे ना ड्राइवर तो पब्लिक ऐसी है कि पब्लिक नहीं छोड़ेगी, पब्लिक मार देगी। मैं 99% 100% गारंटी देता हूँ, अगर कहीं भी ऐसा छोटा से बड़ा होता है तो पब्लिक के हाथ में अगर बंदा पहुंच जाएगा तो बचेगा नहीं, पुलिस के हाथ जब तक जाएगा जब तक कुछ रहेगा ही नहीं उसमें, ये गलत है ना कानून। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार इस कानून को वापसी लेगी? सरकार तो कह रही है कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। लेना तो पड़ेगा साहब, बिल्कुल हड़ताल होगी, चक्का जाम होगा, कहाँ से व्यवस्था पहुंचे, ट्रेन कहाँ तक जाएगी? चलो अभी ट्रक से मरता है, बस से मरता है, आज की दुनिया में ड्राइवर तो हर किसी के पास बाइक है, वो भी ड्राइवर है ना जी, जी, ड्राइवर हर कोई है जी, जी। अगर ट्रेन कहाँ तक माल ले जाएगी? ट्रेन केवल लाइन पर ही तो ले जा सकती है अपनी, ट्रक व्यवस्था ये सारे ड्राइवर है वो ही तो ले जाते हैं हर जगह व्यवस्था। तो गवर्नमेंट अपना सोचे समझे इसका समाधान करे। मान लो किसी के शादी नहीं हुई है, उसका बच्चा 6 महीने का है, और एक्सीडेंट हो गया, 10 साल की शादी होगी, उसका बच्चा क्या जानेगा मेरा बाप कौन सा है? अक्सर ड्राइवर भी तो हादसे के अंदर मारे जाते हैं, सरकार ड्राइवर भी मारे जाते, उनका कोई जुर्माना है? और फिर दूसरी बात, इन गाड़ियों पर जुर्माना इंश्योरेंस गाड़ियों का होता है जी, जी। तो ड्राइवर पर क्यों हर्जाना दे, वो बीमा कंपनी झेले ना। और इससे प्रावधान ये पहले थी, 2 साल की सजा होती थी ड्राइवर की, तो वो नियम वो क्या गलत थे पहले नियम, अब ये 10 साल की कर दी, ये गलत है बिल्कुल। अगर मान लो मुख्यमंत्री गाड़ी जाती है, अगर उससे कोई हादसा हो जाता है तो क्या मुख्यमंत्री की ड्राइवर गाड़ी सजा काटेगा? वो 10 साल नहीं काटेगा ना। ट्रेन से अगर कोई बंदा कट जाता है तो उस पर ट्रेन जो है कम रेल मंत्री क्या करता है, उल्टा मुकदमा लगा देता है, ये तो उसके लिए कानून होना चाहिए ट्रेन के लिए भी। जिस तरह ये कानून आया है, आपको क्या लगता है कानून सही है या गलत है? कानून गलत है। गलत है? कैसे गलत है? ऐसे नहीं गलत है, ऐसा कौन ड्राइवर है जिसके पास 10 लाख रुपया होगा तो अपना कोई बिजनेस नहीं करेगा, गाड़ी क्यों चलाएगा? गाड़ी दिन रात 24 घंटा मरता है आदमी, और उसके बाद उसके ऊपर 10 लाख जुलवाना, और उसके एक्सीडेंट मतलब रोड पे चलता तो एक्सीडेंट हो भी सकता है जी, जी, जी। और उसके बाद वो उससे 10 लाख जुलवाना वो कहाँ से देगा? नहीं, सरकार का कहना ये है कि जो ड्राइवर है ये लोग मार कर भाग जाते हैं,
और उसकी जो मतलब जो उसका हादसे का शिकार होता है उसको अस्पताल नहीं पहुंचाते, इसलिए जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। ऐसा कौन सा ड्राइवर जो ज्यादा हमारे से हादसा हो जाए हम इसको अस्पताल ना पहुंचाएं? हर आदमी सोचता है, ड्राइवर भी सोचता है, लेकिन उसको पब्लिक से बचने के लिए वो भागता है। पब्लिक की जिम्मेदारी ले सरकार की, हम पब्लिक हाथ नहीं उठाएगी। यहाँ जरा सी भी टोचन हो जाती है कमर्शियल गाड़ी तब तो पब्लिक मानने लगती है। मतलब अपने किसी पब्लिक से ना पूछना, खाली अपने आप कानून लागू कर दो, ये तो तानाशाही हुई। तानाशाही है, बिल्कुल बिल्कुल तानाशाही। तो इस तानाशाही का क्या इलाज है? अब तानाशाही का पब्लिक सोचेगी बस, और क्या। और तो हमारे लोगों और बस में है ना जिनको सीट से हटा दिया जाए, बस एक ही चार से इलेक्शन आए उसी में हर पब्लिक अपना ध्यान दे बस। तो आपको लगता है जैसे भारत के अंदर 1 करोड़ लगभग ड्राइवर हैं और उनके परिवारजन भी हैं, बिल्कुल, तो इससे सरकार अपने फैसले को वापस लेगी या नहीं लेगी? अब हम लोग क्या बताएं, हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जी जी जी, बाकी उनसे क्या है, वो अपना जो चाहे वो अपना मनमानी करेंगे और क्या। आप ही बताइए पहले। जी जी जी, ब्लैकमेल तो सरकार कर रही, ड्राइवर सरबर तो अपने मनमाना। देश में 3 ही ऐसे बंदे हैं, जैसे जवान हुआ, जी जी, किसान हुआ, ड्राइवर हुआ, जो 24 घंटे मरता है। कौन नेता 24 घंटे मरता है? कौन सरकारी सर्विस वाला 24 घंटे मरता है? कौन मरता बताइए आप। अच्छा, एक अभी पीछे महाराष्ट्र के अंदर एक कांड हुआ था, एक IAS का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को सड़क के किनारे सेटिंग कर रहा था, उसको 24 घंटे के अंदर जमानत मिल गई, लेकिन ड्राइवर के लिए 7 साल की वो सजा है, वो 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना कर। तो जब वही कानून बनाने वाले हैं, वही कानून को सब हल करने वाले हैं, तो वो जो भी मर्जी वो करें, उनके ऊपर कोई केस लगता है? जी जी जी, रोड पे देखते हो उनके IAS PCS के लड़के हैं, कितने स्टंडिंग करते हैं। जी जी जी, लेकिन उनसे पुलिस भी नहीं बोल पाती है, क्योंकि वो एक फोन करते हैं हम फला IAS के लड़के हैं, फलाने नेता के लड़के हैं, पुलिस भी मुखदर्शक बन जाती है। नहीं, कानून है, बहुत गलत कानून है। गलत क्या है कानून के अंदर? अरे ये जो ड्राइवर के लिए लगाए हैं जी जी, जेल और जो है 10 लाख रुपए जुर्माना। जी जी जी, ये ड्राइवर कहाँ थी भाई? ड्राइवर कोई नहीं चाहते कि जो है चींटी भी मरे हमारे गाड़ी से। अच्छा, और जो एक्सीडेंट हुई भी जा रहा है तो ड्राइवर भागे ना, तो जो पब्लिक है पब्लिक को खुद ही मार डाली, जैसे पुलिस या प्रशासन कोई आई तेल को मार, मजबूरी में यहाँ भागत है। कानून तो ये गलत है, गलत है, गलत है, गरीबों के लिए गलत है, गरीबों के लिए गलत है ये। हाँ, वो गरीब इसके अंदर क्या गलत है आपको क्या गलत क्या है? वो 10-12 हज़ार रुपये महीने कमाता है। अच्छा, 7-8-10 लाख रुपये कहाँ जमा करेगा और उसके वो सजा कहाँ काट पाएगा? अच्छा, तो गलत तो है ही है। तो आपको लगता है कानून वापसी हो जाएगा? वापसी हो जाएगा, बिल्कुल होगा। हाँ होगा सर, ये कानून जो है वापसी इनको लेना चाहिए, वरना 24 में जो चुनाव आ रहा है उसके लिए इनके जो है बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। सरकार तो कह रही है कि डंके की चोट पर बनेगा, तो वो वही सरकार बनाने वाले पब्लिक हम ही लोग हैं ना। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं ट्रक ड्राइवरों के साथ मिलने के लिए गया था, तो इसलिए सरकार उनके ऊपर कानून थोप दिया है। इससे बढ़िया कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी थी। अच्छा, इनकी सरकार सिर्फ जो है बड़े उद्योगपति लोग हैं जो उनके लिए इनकी सरकार ठीक है। अच्छा, गरीब आदमी के लिए बेकार है सरकार। अच्छा, अच्छा, जैसे राहुल गांधी पीछे आपने देखी होगी उनकी वीडियो, ट्रक ड्राइवरों के साथ थे वो, उसके अंदर तो वो राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनती है तो हम ट्रक ड्राइवरों के लिए पेंशन का एक व्यवस्था करेंगे, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल होती है वो ट्रक ड्राइवरों के बीच में, मोदी सरकार ये अपना फैसला ले आती है कि भाई ड्राइवरों पर वो 7 लाख का जुर्माना, 10 साल की सजा। असल में है विपक्ष के यहाँ ज्यादा ये लोग बोले है नहीं देते हैं, हाईलाइट कहूँ हो है नहीं देते हैं, चाहे मीडिया वाला हो या कोई भी है, बात दबा दिन जाते हैं इन लोगों के, बात दबा दिन जाते हैं। अच्छा, और आवे वाले 24 चुनाव में यहाँ 24 के बाद चाहे UP चुनाव हो, उमा देख लो जो यू सिस्टम निकारी नहीं का बहुत गलत परिणाम आई सामने। अच्छा, चाहे वो किसान हो चाहे शहर कदमी हो, हर एक घर से कोई ना कोई ड्राइवर, कोई 2 है कोई 4 है कोई 1 है, 8-1.5 में सबके घर से ड्राइवर नहीं है तो कारें हैं, कार अगर चला रहा आदमी खुद तो ड्राइवर है, वो नियम तो सबके लिए है ना। लेकिन नेता नगरीन के लिए ऐसा नियम कुछ नहीं है, नेता नगरी के लिए नहीं। हाँ, जो विधायक सांसद हैं BJP वाले हैं। अच्छा, हमहू ठाकुर हन, लेकिन हम BJP के यहाँ इके पहले वोट दे रहा, लेकिन हम सोचे हमका अगले जो ये इतना रहा तो हम तो कांग्रेस के सपोर्ट कर। अच्छा, कांग्रेस को वोट दो। हाँ, ठाकुर होकर भी कांग्रेस सपोर्ट कर खुला कानून के लिए जो किए हैं भैया, वो तो थोड़ा गलत तो है ही है भाई, गलत है ये, गलत है। अच्छा, सरकार का कहना ये है हम कानून इसलिए लेकर आ रहे हैं ड्राइवर मतलब मार कर भाग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो ड्राइवर ये होता है, जैसे चाहे छोटी गाड़ी वाला हो चाहे बड़ी गाड़ी वाला हो, ठीक,
अब जैसे बड़ी गाड़ी लेके लेके जा रहे हैं, छोटी गाड़ी वाला कोई ठोक दिया, अब उसका उसका समझो तो, अब बड़ी वाली के ऊपर रख देते हैं, बड़ी वाली के ऊपर रख देते हैं, दारू पिए है, ये किए है, भाई छोटी वाला पी के आए लड़ा दिया तो क्या करोगे भाई। भाई ड्राइवर ड्राइवर, चाहे छोटी चाहे मोटरसाइकिल चलाए, चाहे वो चार पहिया चलाए, चाहे जो चलाए, भाई ड्राइवर तो ड्राइवर है। जी 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 भाई जी, इसके लिए जो ड्राइवर लिए तो छोटी छोटी गाड़ी वाले के लिए भी प्रावधान वही है, वही चीज है। अब जो लोग कमा रहे उसकी ड्राइवर की तनख्वाहें हैं कम है भाई, चल रहा उसके बाद वो बेचारा जो गरीब होगा, वो इतना पैसा होता, जमीन होती तो क्यों डिलीवरी करता भाई, क्यों करता भाई डिलीवरी। मतलब आपका मानना है कि ड्राइवर अक्सर गरीब होते हैं? भाई गरीब तो होते हैं जी 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 भाई, जिसके पास पैसा होता जमीन होता क्यों रोड पे पड़ा होता। आप देखिए हफ्ता 15 दिन से बेचारे भूखे प्यासे मर रहे हैं। हाँ। भाई अच्छा, ये आपका जो ये विरोध प्रदर्शन है ये कब तक चलेगा? ये अब देखो ये कब तक चला, जब तक ये कोई ड्राइवर यूनियन करता ही नहीं है भाई, हड़ताल आपकी यूनियनों का क्या कहना है, कब तक चलाएंगे इसको? अब देखो जब तक चले और क्या है भाई, इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, ये तो जब तक ये लोग नहीं मानेंगे जब तक ये होगा भाई। अच्छा मतलब जब तक सरकार नहीं माने जब तक आपका विरोध जारी रहेगा भाई, उसके लिए कुछ कानून तो निकाले भाई। आपने कह दिया ठीक है कर रहे हैं भाई, बाहर से आदमी माल नहीं लेके आएगा कैसे क्या चलेगा भाई, मंडियों तक सब्जियां नहीं पहुंच पाएंगी। अब अरे आज भाई मंडी गए तो मंडी में कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं क्या करोगे भाई, 50 रुपये पसेरी थी, 40 रुपये पसेरी थी, अब तो 80 रुपये पसेरी आलू मिल रहा है, अभी आज तो मिला है, कल देखिएगा 200 रुपये में हो जाएगा भाई, जब माल ही नहीं आएगा तो कहाँ से क्या करेगा भाई, वो गरीब आदमी मरेगा। कानून के लिए गलत तो है ही गलत है। जो एक मिनट सुनो, अगर ड्राइवर इतना मालदार होता जी जी तो अपने कोई बिजनेस ना करके बैठ जाता, बिल्कुल क्यों सड़क पर रहता वो, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि आदमी गलती पी के चलाते हैं वाहन, प्राइवेट के लिए कैरेटी इतनी खराब है, इतनी गंदी कैरेटी प्राइवेट व्हाइट प्लेट की कि जब से आए घुसते हैं हॉर्न बजाए जा रहे, पैदल चलने वाला आदमी नहीं हटता है। और के सोचते हैं लोग कि हमारा इंश्योरेंस तो है ही जी जी जी, अगर हम इंश्योरेंस हमारी हमारा इंश्योरेंस है, इसमें से इंश्योरेंस करने से हमारा जो है पैसा मिल जाएगा, बड़ी वाड़ी गाड़ी के सिर लग जाएंगे। ज्यादातर पब्लिक की निगाह में ये है, जो क्लियरली कॉमर्शियल वाहन के प्रति दी गई है वो नियम जो है प्राइवेट वाहन पे करे जाएं तो एक्सीडेंट की नौबत ही नहीं आएगी। मतलब आपका कहना ये जो कमर्शियल वाहन पे ये कानून बनाया गया है ये प्राइवेट वाहन पे बनाना, प्राइवेट जैसे मान लिया दिन पे दिन एक आदमी दैनिक काम करने जा रहा है, ड्यूटी करने जा रहा है, वो भी एक कार में जा रहा है, जो कंपनी वाला मोटरसाइकिल पे जा रहा है। अब एक मिनट सुनो, इन्हें इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है इनका, ये सोचते हैं अब ना ना कोई टैक्स भरना पड़ता, ना टोल टैक्स दे दिया, मोटरसाइकिल को टैक्स देना पड़ता जी जी। तो इसी वजह से ये पी के अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं और कॉमर्शियल गाड़ी वालों के नीचे आने की कोशिश करते हैं। अच्छा। सोचते हैं कि इंश्योरेंस तो है ही, कंपनी दिला देगी, साले का नाम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कानून आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? ये हमारा कानून ये है कि ड्राइवर को 2-4, 10-5 हज़ार रुपए की नौकरी मिलती है, उसमें 10-5, 6-7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, जो कमाने वाला अपने परिवार में एकला है, अगर वो ही बंद हो जाएगा तो उसका परिवार तो बिखर जाएगा, बिखर जाएगा, और 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा वो। जी जी जी, तो यो बताओ आप, हमारा तो ये कानून जो लगाया है और कायदे में ड्राइवर और देश के सिपाही की, तो ड्राइवर और देश का सिपाही एक ही होता है, रात दिन सर्द पर पड़ा रहता है, ऐसे ड्राइवर लोग हैं बॉर्डर पर पड़े रहते हैं, मार्केट पर सड़क पर पड़े रहते हैं, जन सुविधा के लिए तो पड़े रहते हैं, और जन सुविधा इसका के जो सरकार है ये पूरे इंडिया को गाड़ी चलाती है, और गाड़ी ही बंद हो जाएगी तो व्यापार कहाँ से चलेगा, जब व्यापार नहीं चलेगा तो गाड़ी को आमदनी कहाँ से होगी, और गाड़ी को आमदनी होगी तो व्यापारी कहाँ से होगी, आदान प्रदान दोनों का चल रहा है। इसमें मेरे कहने का मतलब यह है ये जो कानून वापसी होना चाहिए और ड्राइवर के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, ड्राइवर को सुविधा मिलनी चाहिए, अपमानजनक से इसकी कोई इज्जत नहीं रही है ड्राइवर लाइन में, हर आदमी बदतमीजी तरीके से बोलता है ड्राइवर के लिए। जब गाड़ी आएंगी नहीं जाएंगी, सरकार तो कह रही हमने बहुत अच्छा कानून बना दिया है, तो उसके हिसाब से अच्छा है तो अच्छा है, लेकिन पब्लिक के हिसाब से तो गलत है। सरकार कह रही पब्लिक के हिसाब से सही है, ड्राइवरों के हिसाब से तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, ये गलत है, गलत है ये कानून, एकदम गलत है। अब सरकार कह रही उसके हिसाब सही है, वो बनाया है कानून, बनाया है तो सही है। तो आप मांग करते हैं सरकार से वापसी हो ना? हाँ वापसी हो, आप भी बोलेंगे कुछ सर? हाँ वापसी होना चाहिए, वापसी होना चाहिए।
मतलब क्यों होना चाहिए वापसी सर? ड्राइवर के ऊपर जिम्मेदारी तय होगी, अगर उससे एक्सीडेंट हो जाएगा तो अस्पताल लेकर जाएगा वो पहले। हाँ तो ले तो जाएगा अस्पताल, पब्लिक मारेगी है जब, तो पब्लिक मारेगी ना, पब्लिक मार देगी, बिल्कुल मार देगी भाई। किसी के घर का या पास का पड़ोस का है अगर एक्सीडेंट हुआ, अगर उसको ले जाएगा तो बिल्कुल मारेगा, पब्लिक मार देगी, बिल्कुल मार देगी। कानून बहुत ही गलत है। गलत है क्या? गलत है भैया इसके अंदर? अरे यार ड्राइवर गाड़ी जब चलाएगा तो गाड़ी तो थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होगा ही। ये कानून बहुत ज़्यादा गलत है कि 7 लाख रुपया दो और 10 साल की सजा है। ये अगर जो है ड्राइवर अगर उनको लेके जाता है हॉस्पिटल, अगर रोकता है गाड़ी तो जनता मार नहीं देगी उसको, मारेगी पीटेगी नहीं, जनता मार देगी और क्या, लड़ाई तुरंत उसको मारने लगेगी। अच्छा तो कानून वापसी होना चाहिए? हाँ बहुत ज़रूरी है वापसी होना यार। कानून जो सरकार ने बनाया है ये गलत है, ये कानून वापस लेना चाहिए सरकार, वापस लेना चाहिए जी। सरकार को ये भी जानकारी रखनी चाहिए, मान लीजिए ड्राइवर 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है, ड्राइवर की सैलरी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई मोटर मालिक दे रहा है तो 15 हज़ार रुपये है, इससे ऊपर वो सैलरी दे नहीं रहा, उसी में अपना परिवार है भरण पोषण कर रहा है, ठीक है, परिवार को खिला पिला रहा है, उसी में अपना काम काज कर रहा है, तब ये बताइए 7 लाख रुपए जुर्माना ड्राइवर कहाँ से भर पाएगा? नहीं भर पाएगा, नहीं भर पाएगा, कोई कीमत भी नहीं भर पाएगा भाई। 10-12 हज़ार रुपए महीने की तनख्वाह पे वो गाड़ी चला, जुर्माना नहीं भर पाएगा, 10 साल की जेल, 10 साल के लिए जेल जाए, 10 साल के लिए जेल जाए, तो जेल क्यों जाए? इससे अच्छा वो गाड़ी नहीं चलाएगा। आधे से ज्यादा ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके भाग चुके हैं, भाग चुके हैं। हाँ आधे ज्यादा। अच्छा हड़ताल कब तक चलेगी भैया? अब जब तक सरकार अपना ये कानून वापस नहीं लेगी तब तक सारे ड्राइवर हड़ताल पे ही रहेंगे, हड़ताल पे रहेंगे जी, अनलिमिटेड हड़ताल पे रहेंगे, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। तो इससे तो देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा, पेट्रोल पंप पे तेल नहीं मिलेगा, सब्जियों में मंडियों में सब्जी नहीं मिलेगी, तो इससे सरकार फिर इसमें बदलाव लाएगी जब दिक्कत आएगी। सरकार मतलब सरकार को आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं मिलकर? नहीं ब्लैकमेल मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। ये चीज़ जो सरकार जो है, जो सरकार ने नियम लगाया है, सरकार तो खुद ही ब्लैकमेल कर रही है। मान ली पूर्व बहुमत से बैठे हुए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो आप चाहें वो लगा दें भाई। 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा, ड्राइवर कोई नहीं काट पाएगा, इससे ज्यादा ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा, गाड़ी नहीं चलाएगा, कई ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके भाग चुके हैं, अपने घर चले गए। ड्राइवर आप, ऐसा सरकार और ऐसा कानून होना ही नहीं चाहिए। जब ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा व्यवस्था कहाँ से पहुँचेगी लोगों के पास, पहले बताइए। जब ड्राइवर ही मर जाएगा 7 लाख रुपए में या सजा में, तो घर का खाना कहाँ से चलेगा बताइए। तो एक्सीडेंट मत करिए, संभाल के गाड़ी चलाइए सरकार। तो लोगों को भी, सरकार को भी चाहिए ना हर जगह कैमरे लगाएं, जिसकी गलती उसको उसको सजा दे। ड्राइवर ही क्यों सजा काटे भाई? मतलब सड़क पे आपका कहना है कि सीसीटीवी कैमरे लगा दे सब जगह, बिल्कुल होना चाहिए। कार वाला देखो मोबाइल पे लगा रहता है, काला शीशा लगाया रहता है, ड्राइवर पीछे हॉर्न लगा रहता है, बजाता रहता है, उसको कहाँ पता लगता है? जरा सी गाली, जरा सी हॉर्न बजा रहे तो गाली दे के चला जाता है, तो ड्राइवर क्या करे? ना चले तो मर गया, जो चले तो मर गया। अब नहीं चलाएंगे तो भी मरेंगे, चलाएंगे तो भी मरेंगे, ड्राइवर जाए कहाँ? पहले आप बताइए। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी यही सरकार से मांग है, ये जो कानून बनाया, ये गंदा कानून है, इसको बंद किया जाए, बिल्कुल बंद किया जाए, बिल्कुल बंद किया जाए। और जो भी है, आपको लगता है ड्राइवर नशा करता है या दारू पीता, उसको तुरंत चेकिंग किया जाए, रात को दिन को जहाँ भी दिल चाहे पुलिस चेकिंग कर सकती है उसका। अच्छा, हमें उससे कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं, नहीं। मगर ये कानून जो बनाया, ये गंदा कानून है, ये नहीं होना चाहिए, गंदा कानून नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कानून है, इससे जिन 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 परिवारों के लोग मार के चले जाते हैं ड्राइवर, उनको थोड़ी धनराशि मिलेगी इसके जरिए। नहीं, इनको ये नहीं पता लगता, जो हाईवे पे बाइक चल रहा है, 3 पहिया वाहन चल रहा है नेशनल हाईवे पे, वो नहीं दिख रहा है इनको। पहले ये बताइए, नेशनल हाईवे किस लिए बनाया? हैवी व्हीकल के लिए बनाया है। कभी इन्होंने ध्यान दिया बाइक भी चल रहा है, घोड़ा रेडी भी चल रहा है, तो ड्राइवर आदमी कहाँ जाएगा बड़ी गाड़ी वाला, बताइए आप बताइए ना जी। आप भी चल रहे हो, आपके पास स्कूटर बाइक है, आपको बोला ये नेशनल हाईवे है, ये बड़ा गाड़ी के लिए, आप बोले नहीं यार ये तुरंत पहुंचेंगे, नीचे जाम है, ऊपर से चल दो, आप क्या करोगे बताओ? बताइए, आपको इमरजेंसी है, ठीक है, आप तो ऊपर ही भाग जाओगे, ये तो मत सोच, ये तो नहीं सोचोगे आप भी मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी यही मांग है, ये जो कानून लेके आए इसको बंद किया जाए, बंद किया जाए, बिल्कुल बंद किया जाए, नहीं तो ड्राइवर तो भूखा मरेगा, जनता साथ में भूखी मरेगी। अच्छा, ये भी गारंटी है, गाड़ी नहीं चलेगा तो कहाँ खाना कहाँ से पहुँचेगा? कब तक करेंगे इसको हड़ताल? जब तक ये नहीं करेंगे,
जब तक ये कानून कैंसिल नहीं करेंगे तब तक हड़ताल है। बैठे हैं, पंजाब से आए हैं। अच्छा, पंजाब से आप? हम पंजाब से हैं, लुधियाना से। अच्छा, देखिए हमारे गुरुद्वारे में गाड़ी लगा हुआ है, आराम से बैठे हुए हैं। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमें, लंगर निश्चित खाली चलेगी। अरे कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को झुकना पड़ेगा? बिल्कुल झुकना पड़ेगा, ये गंदा कानून लेके आए तो जो खत्म करना ही पड़ेगा इनको। तो दोस्तों, हमारे साथ ये तमाम ड्राइवरों की एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी जिनसे हम लोगों ने बातचीत की है। सभी ड्राइवरों का मानना ये है कि एक ड्राइवर नहीं चाहता है कि उनके द्वारा कोई चीटिंग मरे, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है तो गुस्साई भीड़ उनकी हत्या कर सकती है। तो ड्राइवर मौके से फरार उसका मजबूरी है, वो चाहता नहीं है ड्राइवर मौके से फरार होना, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो इसलिए चला जाता है। तो सरकार ने जो कानून बनाया कि जहाँ एक्सीडेंट हो वहाँ ड्राइवर मौजूद होना चाहिए, वरना उसके ऊपर 10 साल की सज़ा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया है, तो जिसका ड्राइवर लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इनसे बातचीत की है, अब आप जनता हैं तो आप फैसला करिए कि ये कानून सही है या गलत है। धन्यवाद दोस्तों।